हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी हिंदी के लिए है, क्लास सेकंड का है। लेसन प्लान भी है और टीचर्स डायरी भी है, ठीक है। क्लास सेकंड हिंदी का है, तो इसमें हिंदी में सबसे पहले पार्ट चार लिया गया है, अधिक बलवान कौन, ठीक है। ये पार्ट चार है, तो अब इसके टॉपिक क्या होंगे, तो क्या क्या चीज़ हम कवर करेंगे। तो पठन में एक तो रुचि बच्चों में पैदा होगी, दूसरा शुद्ध और स्पष्ट मौखिक उच्चारण सीखेंगे, शब्द भंडार में वृद्धि होगी, और सूरज और हवा की प्रकृति के बारे में बच्चे जानेंगे और वायुमंडल के बारे में जानेंगे। ये सब टॉपिक होंगे। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या रहेगा, तो उद्देश्य लिखा है बच्चों को प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरा है पाठ पढ़ाते समय कठिन शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान देकर उसका अर्थ बताया जाएगा। फिर वाक्य रचना सिखाना, ये सब उद्देश्य है। अब शिक्षण के परिणाम, पढ़ाने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे, तो विद्यार्थी प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में वर्णन करने में सक्षम होंगे, और दूसरा है भाषा पर पकड़ मजबूत होगी, ठीक है। इस तरह से हम इसका परिणाम लिख सकते हैं। अब पाठ पाँच है, दोस्त की मदद, ठीक है। कछुआ और लोमड़ी का पाठ है ये, तो यहाँ पर कछुए की ड्राइंग बना दी गई है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे, तो पर्यावरण ज्ञान होगा बच्चों को, कछुआ और लोमड़ी की शारीरिक संरचना ये जानेंगे, फिर कछुआ और लोमड़ी की चाल नहीं और स्पष्ट पठन, ठीक है। ये सब टॉपिक रहेंगे। अब उद्देश्य क्या है इसका, तो विद्यार्थी कछुआ और लोमड़ी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। दूसरा है जानवरों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, ठीक है। फिर बच्चों में दूसरों की मदद करने के गुण विकसित करना, और इसका परिणाम क्या होगा इस पाठ का, तो शिक्षण के परिणाम है विद्यार्थियों की भाषा पर पकड़ मजबूत होगी, दूसरा है विद्यार्थियों में जानवरों के प्रति प्रेम की भावना विकसित होगी, तीसरा है अलग अलग जानवरों की चाल के बारे में सीखेंगे वो, ठीक है। अब यहाँ पर लोमड़ी की पिक्चर बना दी गई, डायरी अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। अब पाठ छः लिया है, बहुत हुआ, ये कविता है ना, बादल भैया बहुत हुआ। तो इसमें क्या क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो ऋतुएं, गांव, मातृभाषा, सस्वर, कविता पाठ, सूर्य और चंद्रमा, ये सब चीज़ें इस कविता में कवर होंगी, इनके बारे में बताया जाएगा बच्चों को। उद्देश्य क्या रहेगा, विद्यार्थियों को गांव के बारे में जानकारी देना, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं बच्चे उनको गाँव की जानकारी नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है मातृभाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, तीसरा हिंदी शुद्ध पठन की क्षमता विकसित करना, ठीक है। अब इसमें शिक्षण के परिणाम क्या होंगे, बच्चे गांव, मौसम, बादल, बारिश, कीचड़, ताल, गड्ढे से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। जब उनको पढ़ के बताया जाएगा तो वो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दूसरा है बच्चे अपने शब्दों में कहानी सुनाने में सक्षम होंगे, ठीक है। वो सुनेंगे कविता को, कहानी को, तो फिर उनके शब्दों में वो सुना सकेंगे। अब यहाँ पर ये गांव की एक पिक्चर बना दी गई, कैसा होता है गांव का लुक, है ना, डायरी अट्रैक्टिव लगने के लिए लोमड़ी की पिक्चर बना दी गई, यहाँ कछुए की, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी इस वर्ष चला हमारा 13 to 15 अगस्त, तो उसका एक लोगो बना दिया गया है डायरी अट्रैक्टिव लगने के लिए। आगे के चैप्टर आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।